चलिए, तो आज की क्लास में फिर से हम लोग देखने वाले रिपोर्टेबल सूचकांक, ये परफेक्शन आइम्स के वॉल्यूम 7 है। इससे पहले हम लोग ने पर्यावरण को देखा था, तो देखते हैं कौन सी रिपोर्ट आई है, सूचकांक में क्या कैसा पढ़ना है उसके संदर्भ में। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, तो ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 की रिपोर्ट आ गई, ठीक है। क्या नाम है इसका? ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? वैश्विक विद्युत समीक्षा, GER, ठीक है। GER, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू हिंदी में वैश्विक विद्युत समीक्षा 2024 रिपोर्ट वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर के द्वारा जारी किया गया। तो रिपोर्ट की बात करेंगे, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू की बात करेंगे, किस संस्था के, इसमें प्रश्न कैसे आएंगे पता है ना? पहले रिपोर्ट में क्या निकल कर आता है, भारत का रैंक क्या है, ठीक, और किस संस्था के द्वारा जारी किया गया था। इसमें संस्था इंस्टीट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ठीक है। तो रिपोर्ट की बात करें, GER, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट, ठीक है, ऊर्जा किसने, वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर के द्वारा जारी की गई है। अब भारत के संदर्भ में देखते हैं, तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है, ठीक है। तो भारत तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया भारत, ठीक है। तो ये हमारे लिए अच्छा है, तो हम लोग ग्रीन एनर्जी की तरफ हम लोग क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो भारत तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया। भारत के वैश्विक विद्युत का लगभग 30% नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त होता है। दो तरह के, नवीकरणीय होता है, अनवीकरणीय होता है। तो अगर मैं बात करूं सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, तो नवीकरणीय में आएगा फिर या फिर अनवीकरणीय में आएगा, क्या बताओगे? नवीकरणीय में आएगा, लेकिन अब आपके थर्मल पावर, ठीक है, जहां से बिजली प्राप्त होती है, वह किस में आएगा, नवीकरणीय में आएगा या फिर अनवीकरणीय में आएगा, क्या बताएंगे? वो अनवीकरणीय में आएगा, ठीक है। तो भारत में वैश्विक विद्युत का कितना प्रतिशत ऊर्जा जो है, ठीक है, सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त होता है, तो क्या बताएंगे? 30%, ठीक है। अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, नवीकरणीय ऊर्जा से 30% तो हमें प्राप्त होता है, लेकिन नवीकरणीय ऊर्जा में सबसे ज्यादा किस नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान है, तो क्या बताओगे? सौर तो फिर ऊर्जा सौर ऊर्जा, ठीक है, ध्यान रखना। वर्ष 2023 में सौर ऊर्जा विद्युत उत्पादन में वृद्धि का प्रमुख आपूर्तिकर्ता रही है। भारत 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादन में उच्च वृद्धि दर्ज करते हुए चीन, अमेरिका, ठीक है, ध्यान रखें, ब्राजील के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया, ठीक है। भारत 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादन में उच्च वृद्धि दर्ज करते हुए चीन, अमेरिका और ब्राजील के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया। ऊपर में तीसरा क्या दे रहा था इस रिपोर्ट का? भारत तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। सर, ब्राजील को पीछे कर दिया है, 3 नंबर पे आ गया। हम लोग सर सुबह पढ़े थे। 2024 में अच्छा वो तीसरे नंबर पे आ गया है। अच्छा ठीक है, तो 2024, अच्छा 2023 में तीसरा चौथा था, 2024 में पीछे करते हुए तीसरा पे आ गया। हमसे आगे कौन है? तो चीन, अमेरिका है, फिर इंडिया, देन ब्राजील, ठीक है। चलिए, विश्व प्रवास रिपोर्ट, ठीक है, प्रवास का मतलब माइग्रेट, ठीक है, एक रिपोर्ट आई है 2024 में। सबसे पहले देखेंगे किस संस्था के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने विश्व प्रवास रिपोर्ट 2024 जारी की, ठीक है, किस संस्था के द्वारा? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। मेंस के प्रश्न आते हैं ऐसे, प्रवासन के पीछे निम्न कारणों की चर्चा करें। प्रवासन के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? बहुत सारे सोशल कारण है, पॉलिटिकल कारण है, ठीक है, व्यावसायिक कारण है, बहुत सारे कारण होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो रिपोर्ट जो जारी की गई, विश्व प्रवास रिपोर्ट IOM के द्वारा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के द्वारा, आप देखेंगे इस रिपोर्ट में क्या निकल कर आता है। तो वैश्विक विस्थापन के प्रमुख कारणों में संघर्ष एवं जलवायु परिवर्तन सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण थे। मतलब रीजन क्या था? तो सबसे कारण जो था संघर्ष एवं जलवायु परिवर्तन। बोलोगे संघर्ष क्या होता है? तो मान लीजिए किसी देश की सरकार जो है वहां पे कोई विद्रोही गुट के साथ लड़ाई में फंसी हुई है, ठीक है, जैसे यमन में हो रहा है, ठीक है, इराक में हो रहा है, ठीक है, और कहाँ बताओ, इराक है, यमन है, और भी बहुत सारे ना खाड़ी देश, यूक्रेन यूक्रेन, यूक्रेन में नहीं कह सकते, यूक्रेन दो देश के साउथ साथ लड़ रहा है, ठीक है, वहां पे संघर्ष की स्थिति नहीं है, यूक्रेन युद्ध में फंसा कोरिया हो, संघर्ष की स्थिति किसे कहेंगे? मतलब मान लीजिए वहां का कोई विद्रोही गुट है, ठीक है, उस सरकार के खिलाफ लड़ रही, उसको बोलते संघर्ष की स्थिति, ठीक है। यूक्रेन में संघर्ष की स्थिति नहीं, उसके लोग उसके खिलाफ थोड़ी ना, यूक्रेन के खिलाफ, यूक्रेन तो रशिया के साथ फंसी हुई है ना। सर, ये विश्व तो भर में लगभग बांग्लादेश दो भी हो सकता है ना। बांग्लादेश, हाँ कुछ दिन पहले तक उसकी स्थिति वैसा ही थी, अभी तो वहां पर भी तो विद्रोह हो ही गया था एक तरह से, हाँ बोल सकते बांग्लादेश। विश्व भर में लगभग दो, हाँ बिल्कुल, बांग्लादेश को, अगर बांग्लादेश में लोग पलायन कर रहे हैं ना भारत की तरफ, ठीक है, बॉर्डर तक तो आ ही गया था, तो वहां पे गवर्नमेंट की संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, इस वजह से वो लोग करेंगे। तो विश्व भर में लगभग 281 मिलियन प्रवासी, जिनमें से 117 मिलियन की बात करेंगे विस्थापित है, ठीक है, आप ध्यान रखें, 117 मिलियन की बात विस्थापित, मतलब
अब प्रवासी कितने, 281 मिलियन था। बोलो सर ये डाटा में इतना डिफरेंसेस क्या है। मान लीजिए मैं हूँ, मेरा घर भारत में है, ठीक है, लेकिन मैं अपने कार्य से बहुत दिनों से मैं, ठीक है, अमेरिका में रह रहा हूँ, तो मैं भी प्रवासी कहलाऊंगा, लेकिन मैं विस्थापित नहीं हूँ। मुझे जब मन करेगा तो मैं भारत जा सकता हूँ, मैं बेल मतलब सेटल्ड हूँ, मैं अपने काम से हूँ, ठीक है। या फिर भारत से बहुत सारे लोग जाते, मिलियन में लोग जाते किसी दूसरे देश में काम करने के लिए, वो भी प्रवासी है, लेकिन वो क्या है, वो विस्थापित नहीं है। वैसे लोग विस्थापित जो कि अपना घर बार सब कुछ छोड़ के, ठीक है, जैसे मान ली रोहंगिया, अगर लोग रोहंगिया म्यांमार में, जब रोहंगिया के ऊपर जब अटैक हुआ तो बांग्लादेश होते भारत में प्रवेश कर गया, तो वो प्रवासी में आएंगे, ठीक है, वो क्या विस्थापित है, उनका कोई था पता नहीं है। तो वैसे 117 मिलियन लोग हैं भारत में। राजस्थान, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश से होने वाले आंतरिक प्रवास का मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन का गंभीर प्रभाव था। भारत में विश्व के सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी, भारत में विश्व के सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी 18 मिलियन है, जो मुख्य रूप से संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं सऊदी अरब में रह रहा है, ठीक है। हम भारत में जो, भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी, तो ये लोग विस्थापित थोड़े ना है, ठीक है, काम की वजह से गए हैं, ठीक है, तो संयुक्त अरब अमीरात में गए, संयुक्त राज्य अमेरिका में गए, सऊदी अरब में रह रहे हैं, ठीक है। और इसी वजह से जब प्रवासियों की संख्या जब अधिक होगी तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, रेमिटेंस मिलेगा, मिलेगा ना रेमिटेंस। रेमिटेंस क्या होता है, ये प्रवासी जो बाहर में, जो सऊदी अरब में रह रहा है, ठीक है, अमेरिका में रह रहा है, तो ये लोग क्या है, वहां पे जॉब के लिए गए, ये विस्थापित नहीं है, फॉर द जॉब गया, जो जॉब के लिए गए तो वहां से पैसा कमा कर जब अपने घर पे भेजेंगे, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो इनका योगदान होगा उसको क्या बोलते हैं, रेमिटेंस बोलते हैं, ठीक है। तो भारत जो इसे चाइना को पछाड़ कर दुनिया का सबसे बड़ा रेमिटेंस पाने वाला देश बन गया, ठीक है। भारत में अगर किस राज्य में सबसे ज्यादा रेमिटेंस आता है, तो केरल में सबसे अधिक रेमिटेंस आता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो रेमिटेंस भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है, लेकिन रेमिटेंस अधिक हो जाना भी खराब है, ठीक है। मतलब दैट मीन्स क्या, भारत के बहुत सारे लोग क्या बेरोजगार है, किसी दूसरे देश में जाके काम कर रहे हैं, तो अधिक रेमिटेंस हो जाना भी, ठीक है, अच्छा सूचक नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो चाइना को हम लोगों ने पछाड़ दिया तो ये कोई खुश होने वाली बात नहीं है, ठीक है। मतलब भारत में बेरोजगारी है, इसीलिए लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं काम करने के लिए, ठीक है। तो हमारा टैलेंट भी जा रहा है, हमारा वर्कफोर्स भी जा रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से प्रश्न जो पूछा जाता है, काफी विवाद में रहता है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है, यह हमेशा विवाद में रहता है क्योंकि बहुत ही बायस संस्था के द्वारा इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। भारत के प्रति इनकी नीति हमेशा से खराब ही रही है। अब ये कम ही चांस है, क्योंकि अभी जो ये रिपोर्ट जो आया तो यहाँ पे केंद्र सरकार ने बोला हम ना मानते हैं, ठीक है, उन्होंने मतलब इस रिपोर्ट को अनदेखा किया है, ठीक है। तो 180 देशों में भारत को 159 स्थान पर दिखा दिया, मतलब हमारे यहाँ प्रेस की इतनी स्थिति खराब है, इनके अनुसार से 159वें नंबर पे भारत को दिखा है 180 देशों में, ठीक है। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें, किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, तो ये एग्जाम में इतना बार पूछा है ना, इतना बार पूछा है, से मैं क्या ही बताऊं, ठीक है। किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा, ठीक है। ये कई एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया, इसलिए इसको आपको ध्यान में रखना है। से वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करेंगे तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा क्या होती है, प्रस्तुत की जाती है, ठीक है। कहाँ पे स्थित है ये संस्था, तो पेरिस में स्थित है, ठीक है। जो रक्षा, सूचना एवं स्वतंत्रता को बढ़ावा देने वाली प्रमुख गैर सरकारी संस्थाओं में से एक है, ठीक है। इसे विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को प्रकाशित किया गया, ठीक है। तो इस रिपोर्ट की बात करेंगे, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करेंगे, तो कितने तारीख को आया, 3 मई को आया, ठीक है। कब आया, 3 मई को। 3 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 3 मई को, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इंडिया का रैंक एक बार रिपीट कीजिए, क्या रैंक है इंडिया का, 159, 159, ठीक है। अब आते हैं 159, वर्ल्ड प्रेस, अब जाते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 के विषय में कुछ प्रश्न देख लेते हैं। तो सबसे पहले थीम क्या था, तो ग्रह के लिए एक प्रेस, ठीक है, ये प्लानेट होगा यहाँ पे ना, थोड़ा अजीब लग रहा है, ठीक है। तो ग्रह के लिए मतलब किसे, प्रेस फॉर प्लानेट, ठीक है, ग्रह के लिए एक प्रेस, पर्यावरण संकट के सामने पत्रकारिता, इस सूची में सर्वोच्च 3 स्थानों पर, ठीक है, कौन रहा टॉप पे, कौन रहा, नॉर्वे नॉर्वे नॉर्वे, डेनमार्क एवं स्कैंडिनेवियन स्वीडन, टॉप 3 में कौन कौन रहा, नॉर्वे रहा, ठीक है, डेनमार्क नॉर्वे रहा, डेनमार्क स्वीडन स्वीडन रहा, नॉर्डिक नेशन कहलाते हैं ये लोग, ठीक है। हाँ, जो भी रैंकिंग वगैरह निकलता है सब पे ये टॉप रहते हैं, ठीक है। अब ये प्रेस जो बनाया जाता है किस आधारों पे बनाया जाता है, ठीक है, कुछ ना कुछ संकेतक तो होंगे, किस आधार पर बनाया। सबसे पहले इसमें राजनीतिक, आर्थिक, विधायी, सामाजिक एवं सुरक्षा जैसे मुद्दे पे ये प्रेस मतलब क्या होते हैं, ये रिपोर्ट जो आती है 5 मुद्दे पे, राजनीतिक, आर्थिक, विधायी एवं सामाजिक, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। विधायी का मतलब कानून समझ लीजिए, आर्थिक तो जानते हैं, राजनीतिक आप लोग जानते ही, इन सारे मुद्दों पर तैयार करते हैं, ठीक है। इस सारे मुद्दे का अध्ययन करने के बाद इन लोगों को क्या समझ में, भारत को 159 रैंक दिया है, ठीक है, ध्यान में रखना। विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक रैंकिंग जारी की गई, ठीक है, इसमें देखेंगे हमारे शहरों ने इसमें टॉप किया।
अब आते हैं विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में विश्व की सर्वाधिक अस्वास्थ्यकारी वायु वाले शहरों की सूची में काठमांडू प्रथम तथा दिल्ली दूसरे नंबर पे आया। ठीक है, काठमांडू पर्वतीय शहर, ये भी प्रदूषित होना शुरू हो गया। ठीक है, तो सबसे खराब वायु वाला, ठीक है, मतलब सबसे अनहेल्दी वायु वाला एयर वाला शहर में, ठीक है, काठमांडू टॉप पे किया आया। दूसरे नंबर पे कौन आया? तो हमारी दिल्ली। ठीक है, दिल्ली। तो ध्यान रखेंगे विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक रैंकिंग में टॉप में दो शहर में कौन है? काठमांडू और दिल्ली है। ठीक है, दुनिया के 101 शहरों में वास्तविक समय के प्रदूषण को मापने वाली आईक्यू एयर है जिसने विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक रैंकिंग जारी की थी। ये किसने जारी किया है इसको? तो आईक्यू एयर नाम एक संस्था है, उसने मतलब विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक रैंकिंग जारी की है। ठीक है, सूचकांक, यह सूचकांक क्या करता है? तो वायु प्रदूषण में स्तरों को, ठीक है, मापता है। वायु प्रदूषण के संदर्भ में काठमांडू प्रथम नंबर पे है। द्वितीय नंबर पे बात करेंगे तो आपका अपना दिल्ली है। चियांग माई की बात करेंगे, थाईलैंड में तीसरे नंबर पे। हनोई वियतनाम का कैपिटल है जो कि चौथे नंबर पे। बैंकॉक की बात करेंगे, थाईलैंड में पड़ता है, पांचवा नंबर पे। ढाका बांग्लादेश छठे नंबर पे। ठीक है, तो ये सारे को आप नहीं भी याद रखो, डजेंट मैटर। इंडिया में दिल्ली दूसरे नंबर पे, टॉप किसने किया इस बार? तो काठमांडू ने भी टॉप किया। बेचारा नेपाल किसी भी चीज में टॉप नहीं करता, तो चलो इसमें ही कर लेते हैं, इसने यहाँ पे टॉप कर रखा है। ठीक है, और ये रिपोर्ट की बात करेंगे तो आईक्यू एयर के द्वारा इसको जारी किया जाता है। ठीक है, आई थिंक स्वीडिश संस्था है ना आईक्यू एयर, तो चेक कीजिएगा। अब आते हैं न्यूयॉर्क ऑक्सफोर्ड, कहाँ कहाँ है चेक कर लीजिएगा, कहाँ के उसे नहीं पूछेगा। ऑक्सफोर्ड वैश्विक शहर सूचकांक 2024 की रिपोर्ट आ गई। ठीक है, तो ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में भारतीय शहरों में दिल्ली का सर्वोत्तम रैंकिंग प्राप्त हुई। ठीक है, तो भारत के शहर में अगर बात करें दिल्ली क्या है? सर्वाधिक टॉप पे है। अब बात करें दिल्ली तो टॉप पे है। ठीक है, बात करेंगे सिटी के जो इंडेक्स जो आई है, शहर का जो सूचकांक जो है, दिल्ली टॉप पे है, ये भारत में टॉप पे है। अगर दुनिया में अगर दिल्ली का स्थान की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे तो इस सूचकांक के शहरों में दिल्ली 350वें स्थान पे रहा। ठीक है, 350वें स्थान पे वर्ल्ड में रहा, लेकिन भारत में इसकी रैंकिंग पहले नंबर पे। ठीक है, भारत के अन्य शहर में किसको जगह दिया गया? बेंगलुरु और मुंबई को जगह दिया गया। बेंगलुरु भारत में क्रमशः दूसरे नंबर पे, लेकिन वर्ल्ड में 411 नंबर पे। मुंबई भारत में क्रमशः तीसरे नंबर पे, लेकिन वर्ल्ड में 427वें नंबर पे रहा। ठीक है, तो जो रिपोर्ट जो आई है, तो विश्व भर के कितने शहरों में दिल्ली को 350वां स्थान मिला है? तो 1000 शहरों में मिला है। ठीक है, ध्यान रखें 1000 शहरों का चुनाव किया गया, उसमें से दिल्ली 350 नंबर पे, बेंगलुरु 411 नंबर पे, और बात करेंगे मुंबई तो 427 नंबर पे रहा। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, विश्व का सर्वोत्तम शहर कौन रहा? तो ध्यान रखें विश्व का सर्वोत्तम शहर न्यूयॉर्क रहा, और भारत का सर्वोत्तम शहर की बात करें दिल्ली रहा, लेकिन विश्व में दिल्ली की रैंक की बात करेंगे तो 350 रैंक इसकी रही। ये सूचकांक कई महत्वपूर्ण श्रेणियों के आधार पे 1000 शहरों के वैश्विक स्थिति का क्या करता है? विश्लेषण करता है। ठीक है, इस सूचकांक के अनुसार अगर बात करेंगे तो दुनिया का सबसे बेहतर शहर कौन है? तो क्या बताएंगे? न्यूयॉर्क है। ठीक है, भारत का सबसे बेहतर शहर कौन है? तो क्या बताएंगे? दिल्ली है। ठीक है, अब आते हैं ग्लोबल इंटरनेट शटडाउन। ठीक है, तो ग्लोबल इंटरनेट शटडाउन क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। तो सडन मतलब इंटरनेट बंद हो जाना, किस कारण से बंद हो सकता है इंटरनेट? तो सरकारें इंटरनेट बंद करवाती हैं, करती है ना सरकारें इंटरनेट। मान लीजिए किसी तरह का दंगा का माहौल हो गया, या फिर मतलब फॉल्स न्यूज बहुत बड़े पैमाने पर फैल रहा है। ठीक है, अब चीजों को कंट्रोल करना, तो ऐसे कंडीशन में ठीक है सरकारें क्या करती है, इंटरनेट को बंद करवा देती है। जब इंटरनेट को बंद करवाएगी तो जाहिर सी बात है फ्री स्पीच क्या होगा? फ्री का इंटरनेट क्या है? फ्री स्पीच का एग्जांपल है कि नहीं? इंटरनेट यूज करना फंडामेंटल राइट है। ठीक है, इंटरनेट यूज करना फंडामेंटल राइट में आता है, फ्री स्पीच में आता है इंटरनेट। ठीक है, तो भारत लगातार छठे साल ग्लोबल इंटरनेट शटडाउन की सूची में सर्वोच्च स्थान पर रहा। ठीक है, तो मतलब इंडिया ने यहाँ पे ग्लोबल इंटरनेट शटडाउन की सूची में टॉप पे रहा है। वर्ष 2023 में लगातार छठे वर्ष भारत ने विश्व भर में इंटरनेट शटडाउन की संख्या सबसे अधिक रही। ठीक है, भारत में इंटरनेट डाउन शटडाउन की संख्या सर्वाधिक रही। भारत में कुल कितने इंटरनेट शटडाउन हुए? 116 घटनाएं ऐसी अच्छा थी जब जानबूझकर देश के विभिन्न क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। मतलब इसके पीछे कोई टेक्निकल कॉजेज नहीं था। अब जैसे मेरा एक ना मेरा एक सिम जो है ना, कैसे ना कैसे ना, बिहार का एक जिला है जानते, सीतामढ़ी। ठीक है, वहां का है। ठीक है, और सीतामढ़ी जो है ना बहुत ही मतलब ना थोड़ा ना वो हमेशा ना वहां पे कुछ सामुदायिक माहौल खराब होते रहता है। ठीक है, और मैं रहता हूँ दूसरे जगह पे। ठीक है, उस सिम उधर का है, वहां पे जब भी घटना होगा ना तो मेरा यहाँ का सिम बंद कर देगा। मतलब वो लोग नेटवर्क भी मैच नहीं करते, बस सिम कहाँ का लिया हुआ है पूरे क्षेत्र का ही बंद कर देते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है? इंटरनेट शटडाउन होता है। और आपको पता होना चाहिए कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर जब 370 को जब हटाया गया, रिपील किया गया, तो वहां पे 1 वर्ष तक इंटरनेट बंद था। ठीक है, तो बड़े पैमाने क्षेत्र पे बंद किया गया था, लेकिन अभी भी आप देखिएगा
छोटा छोटा जब घटना हो जाती है तो क्या होता है, इंटरनेट को शॉट डाउन कर दिया जाता है। तो इंडिया लगातार इसमें टॉप पे रहा, लगातार 6 वर्ष होता है, ठीक है। ऐसी कितनी घटनाएं हुई 2023 में, तो 116 घटनाएं आपको देखने को मिली है। इस आशय की रिपोर्ट एक सिविल एडवाइजरी ग्रुप कीप इट ऑन कोलिजन द्वारा क्या की जाती है, जारी की गई थी, ठीक है। ब्लूमबर्ग, ठीक है, ब्लूमबर्ग की बात करेंगे तो बिलियनेयर्स का इंडेक्स है, ठीक है। और मुकेश अंबानी ब्लूमबर्ग, ठीक है, बिलियनेयर्स इंडेक्स में 12वें स्थान पर है, ठीक है। तो वर्ल्ड में मुकेश अंबानी का रैंक कौन सा है, तो 12वां रैंक है, ठीक है, बारह ध्यान रखेंगे 12वें नंबर पर रहा है, ठीक है। अडानी जी है कि नहीं हमारे, 110 बिलियन अमरीकी डॉलर की कुल नेटवर्क के साथ मुकेश अंबानी 12वें स्थान पर रहे, और 100 बिलियन अमरीकी डॉलर के कुल नेटवर्क के साथ गौतम अडानी 14वें नंबर पर है, ठीक है। पीछे ये आगे निकल गए थे इस समय में, ठीक है। तो गौतम अडानी वर्ल्ड में 14वें नंबर पे है, मुकेश अंबानी की बात करेंगे वर्ल्ड में 12वें नंबर नंबर पे, ठीक है। नेटवर्क की बात करेंगे तो 112 बिलियन डॉलर किनका है, एक सौ दस सॉरी मिलियन 110 बिलियन डॉलर एक सौ किनका है, दस मुकेश हाँ ठीक है, अंबानी मुकेश अंबानी जी का। और 100 बिलियन डॉलर की बात करेंगे अडानी साहब का, ठीक है। टॉप में कौन रहा, तो वर्नार्ड अर्नोल्ड जो लुई बीटो के संस्थापक और सीईओ है, ठीक है, 220 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल नेटवर्क के साथ विश्व के सर्वाधिक धनी व्यक्ति, क्या नाम है इसका, बर्नार्ड, ठीक है, क्या नाम है इनका, अर्नोल्ड अर्नोल्ड, ठीक बर्नार्ड है। अर्नोल्ड जेफ बेसोस की बात करेंगे, ब्लू ऑरिजिन के संस्थापक है, ठीक है, अमेजोन से भी इनका जुड़ाव रहा है, दूसरे नंबर पे है। मस्क साहब की बात करेंगे, टेस्ला और कौन सी कंपनी है, स्पेस एक्स है इनकी, ठीक ओरिजिन है, बिल्कुल, ठीक है। जुकरबर्ग भैया फेसबुक के संस्थापक की बात करेंगे, चौथे नंबर पे है। और लैरी पेज की बात करेंगे तो गूगल के संस्थापक किसके, ये गूगल, तो गूगल ये गूगल, ये लैरी पेज गूगल के है। जेब वोसेफ बता दिया आपको, ब्लू ऑरिजिन, और साथ में अमेजोन याद रखिएगा। बर्नार्ड अर्नोल्ड की बात करें, इसका कौन सा कंपनी नहीं पता, लुई बुटो क्या पता कौन सी काम करती है, क्या पे करती है ये लुई बुटो, फैशन का पर्स बैग चप्पल ये सब बनाती है कितना पैसा आ गया इसके प्रोफेशन पास। एलन मस्क दूसरे तीसरे नंबर पे आ गए बेचारे, अब मार्क जुकरबर्ग चौथे पे, लैरी पेज 5वें नंबर पे, ठीक है। हमारे 12वें नंबर पे ध्यान रखिएगा मुकेश अंबानी साहब है, 14वें नंबर पे क्या नाम है, अडानी साहब, ठीक है। रिपोर्ट कौन जारी करते हैं, ब्लूमबर्ग जारी करती है, ठीक है। भ्रमण एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024, ठीक है, विश्व आर्थिक मंच ने भ्रमण एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान सुधर कर 39 हो गया है, ठीक है। मतलब ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट करती है, अगर इस रिपोर्ट में अगर कोई देश पहले दूसरे तीसरे नंबर पर, डेट मीन्स वहां पे टूरिस्ट ज्यादा जाएंगे, नहीं जो बातचीत कर रहे हैं, माइक बंद कीजिए। दक्षिण एशिया में तथा निम्न मध्यम वाले अर्थव्यवस्था में भारत सूचकांक में सर्वोच्च स्थान पर रहा, ठीक है। दक्षिण एशिया में तथा निम्न मध्यम वाले अर्थव्यवस्थाओं में भारत टॉप पे रहा, ठीक है। भारत वैश्विक स्तर पर 2024 में 49वें स्थान पर रहा, जबकि 2021 में भारत का स्थान कितना था, 54वां था, ठीक है। अमेरिका, स्पेन, जापान, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया 2024 की सूची में सर्वोच्च 5 स्थान पर रहा, मतलब अमेरिका टॉप पे है, ठीक है। स्पेन दूसरे नंबर पे है, जापान तीसरे नंबर पे, फ्रांस चौथे पे, ऑस्ट्रेलिया 5 पे, ठीक है। ये रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच के द्वारा प्रकाशित की जाती है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो भी रिपोर्ट आया ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में 68 PPAC में, नहीं 69 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से क्वेश्चन पूछा गया था, तो बताओ ये रिपोर्ट कौन जारी करती है, कौन सा रिपोर्ट जो बार बार पूछा जाए तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है, जेंडर गैप इंडेक्स, ठीक है, बिल्कुल। तो जेंडर गैप इंडेक्स 69 BPAC में पूछा था, ठीक है, ध्यान रखें इम्पोर्टेंट है। और ये जो होता है ना, ये पर्यटन के लेकर जो, टूरिज्म को लेकर जो सूचकांक जो जारी किया जाता है, वो भी मतलब यही करती है। भारत का रैंक 39 है, और टॉप में कौन है, तो अमेरिका है, ठीक है। अब आते छठा हुरुन इंडिया आर्ट लिस्ट, ठीक है। तो छठे हुरुन इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में भारतीय मूल के मूर्तिकार अनीस कपूर को प्रथम स्थान मिला है, ठीक है। तो मूर्तिकार है, स्कल्पचर है, क्या नाम है इनका, अनीस कपूर, ठीक है, क्या नाम है इनका, अनीस कपूर। तो छठा हुरुन इंडिया आर्ट लिस्ट में, ठीक है, प्रथम स्थान किनको मिला है, तो ध्यान रखना अनीस कपूर को, ठीक है। इस प्रतिवेदन का प्रकाशन हमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया, ब्रिटिश भारतीय मूर्तिकार है, ठीक है, मतलब भारत भारतीय मूल के है, ध्यान रखे ब्रिटिश है। अनीस कपूर ने इस सूची में लगातार छठे वर्ष प्रथम स्थान किया, मतलब प्राप्त किया, ठीक है, लगातार छठे वर्ष। अनीस कपूर, गुलाम मोहम्मद शेख, अर्पिता सिंह, रामेश्वर वोरा और किशन खान इस सूची में ऊपर से 5 स्थानों पर रहे थे, ठीक है। लेकिन आपको बस अनीस कपूर का नाम ध्यान में रखना है। तो हुरुन इंडिया आर्ट लिस्ट में प्रथम स्थान पे कौन रहे, तो अनीस कपूर, ठीक है। ग्लोबल डिसरप्टर्स, ठीक है, सूची क्या होता है डिसरप्टर्स, ठीक है। डेडलाइन के फीचर ग्लोबल डिसरप्टर्स 2024 में सूची में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय स्टार की बात करेंगे तो कौन बन गई है, दीपिका, ठीक है।
दीपिका पादुकोण बन गए। ठीक है, ग्लोबल डिसरप्टर्स 2024 की सूची आई है और उसमें प्रथम भारतीय कलाकार की बात करें, क्या नाम है, अभिनेत्री दीपिका पादुकोण। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्टार ईवा लोगोरिया, ठीक है, उमा बुरमन और ली संग जिन के साथ अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के मनोरंजन उद्योग में महत्वपूर्ण योगदान के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन डेडलाइन द्वारा सम्मानित किया गया। ग्लोबल डिस्ट्रप्टर सूची में स्थान पाने वाले एकमात्र भारतीय स्टार है, यह भी ध्यान रखें। तो पूछा जा सकता है, बताओ ग्लोबल डिस्ट्रप्टर्स सूची में स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय अभिनेत्री या फिर क्या बोलते हैं कलाकार का नाम बताइए, भारतीय स्टार का नाम बताइए, तो क्या बताओगे, दीपिका पादुकोण। ठीक है, अब पादुकोण। आते एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग भी आते, वर्ल्ड का भी आता है लेकिन एशिया का है। ठीक है, तो टाइम्स हार्डवेयर एजुकेशन एशियाई विश्वविद्यालय रैंकिंग 2024 में 12वें संस्करण में भारतीय संस्थानों, ठीक है, IIMC शीर्ष स्थान पे रहा है। ठीक है, तो इसमें IIT चेन्नई नहीं है, फिर IIT बॉम्बे नहीं, क्या नाम है इसका, IIMC शीर्ष स्थान पे रहा, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पहले नंबर पर कौन रहा, तो जाहिर सी बात है एशिया का, तो चाइना ही रहेगा। ठीक है, तो सिंगुआ विश्वविद्यालय की बात करेंगे, टॉप पे रहा। द्वितीय नंबर पर पेकिंग विश्वविद्यालय, और तृतीय स्थान पर नेशनल विश्वविद्यालय, और चौथे स्थान पर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर रहा। ठीक है, सूची जरा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले नंबर पे बात करेंगे तो सिंगुआ यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, चेन्नई में, पर सॉरी चीन में पड़ता है। पेकिंग यूनिवर्सिटी ये भी चीन में है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर सिंगापुर में ही होगा। नैनयांग टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय की बात, ये भी सिंगापुर में है। टोक्यो विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो जापान में। तो शुरू में टॉप में दो चीन का है, दो सिंगापुर का, एक जापान का है। ठीक है, अब आते हैं भारत के संदर्भ में आते हैं। ठीक है, तो भारत में टॉप पे है, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जिसको IIMC कहते हैं, कहाँ पे पड़ता है, बेंगलुरु में पड़ता है। ठीक है, अन्ना विश्वविद्यालय दूसरे नंबर पे चेन्नई में है। महात्मा गांधी विश्वविद्यालय कोट्टायम केरल में है। जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली में आपको मिलेगा। और सुलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ठीक है, बाझोल कहाँ पे पता, हिमाचल प्रदेश में। उतना नहीं ध्यान रखना, भारत के संदर्भ में ध्यान रखना, IIMC बेंगलुरु टॉप पे है, और वर्ल्ड में अगर बात करें, सॉरी एशिया में अगर बात करेंगे तो सिंगुआ विश्वविद्यालय चीन का है, वो आपका टॉप पे है, तो इसको भी आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, और इसी के साथ क्या होता है, आपका ये सूचकांक भी समाप्त होता है। कल आप लोग पुरस्कार और सम्मान आप लोग पढ़ कर आइएगा, लेकिन उससे पहले हम आपसे कुछ पूछेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो बताना है वैश्विक विद्युत समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार भारत कितने प्रतिशत, ठीक है, ऊर्जा स्रोतों में नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करता है, तो क्या बताओगे, 30%। ठीक है, तो भारत की बात करेंगे, भारत से पहले दो देश का नाम बताइए, तीसरे नंबर पे है ना इंडिया, भारत से पहले कौन सा है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। अगर बात करेंगे सबसे अधिक रेमिटेंस पाने वाला देश कौन सा बन गया, तो क्या बताएंगे, भारत इंडिया। ठीक है, ध्यान में, भारत के कितने लोग, भारत के कितने लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी है, कितने लोग, 18 मिलियन या फिर 19 मिलियन, 18 मिलियन, 18, ठीक है, बिल्कुल। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा कौन सा रिपोर्ट जारी किया जाता है, तो क्या बताएंगे, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। जारी की जाती है, आप हमें यह बताओ ये रिपोर्ट किस तारीख को जारी की गई है, इस बार तो क्या बताओगे, 3 मई 3 मई को जारी की गई। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछा जाएगा इंडिया का रैंक बताइए, तो क्या बताएंगे, 159। बिल्कुल ठीक है, इसके कितने संकेतक है, कितने संकेतों के ध्यान में रखा गया, तो क्या बताएं, 4 या 5, 5 है, पांच बहुत सुंदर। ठीक है, IQ एयर के द्वारा जो वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जो जारी की गई उसमें से भारत के सबसे प्रदूषित शहर कौन है, तो क्या बताएंगे, दिल्ली। दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन है, तो क्या बताएंगे, काठमांडू काठमांडू काठमांडू, बहुत सुंदर। ठीक है, ऑक्सफोर्ड वैश्विक शहर सूचकांक 2024 की रिपोर्ट जारी की गई, भारत के कितने शहर को टॉप 1000 में शामिल किया गया, तो क्या बताएंगे, 300 तीन शहर है। ठीक है, तीनों शहर का नाम बताइए जो कि टॉप 100, टॉप 1000 में है। दिल्ली मुंबई ठीक है, भारत के प्रथम नंबर पर टॉप शहर में कौन सा शहर है, दिल्ली और सूचकांक के अनुसार दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा है, न्यूयॉर्क। ठीक है, न्यूयॉर्क। ठीक है, ग्लोबल इंटरनेट शटडाउन की बात करेंगे तो दुनिया के किस देश में सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन हुए हैं, इंडिया इंडिया बार शटडाउन की गई 2023 में, कितनी बार शटडाउन हुई भारत में, 116 116 में। ठीक है, ब्लूमबर्ग की बात करके बिलियनेयर्स इंडेक्स रिपोर्ट जारी करते हैं, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति का नाम बताइए, बर्नार्ड अर्नोल्ड। ठीक है, भारत के बर्नार्ड सबसे अमीर कौन है, अंबानी, भारत में मुकेश अंबानी। एलन मस्क का कौन सा स्थान रहा है, एलन मस्क तीसरे स्थान पे है। बिल्कुल ठीक है, तो अर्नोल्ड बर्नार्ड अर्नोल्ड साहब के साथ जितना संपत्ति है, $220 बिलियन, उसका आधा है मुकेश अंबानी के पास। ठीक है, और पीछे है अभी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, लेकिन फिर भी देखते हैं खर्चा क्या, ये सबका नाम भी नहीं सुनते, लेकिन ये हमको लगता है ना,
एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है इनका, ठीक है। अब भ्रमण एवं पर्यटन विकास सूचकांक की बात करेंगे, भारत का रैंकिंग में सुधार हुआ है, ठीक है। तो भारत जहां पे 2021 में 54वें स्थान पे था, 2024 में किस स्थान पे चला आया है? थर्टी तो नाइन घूमने के दृष्टि से सबसे बढ़िया देश कौन सा है, तो क्या बताएंगे? अमेरिका अमेरिका, ठीक है। अमेरिका हुरुन इंडिया आर्ट लिस्ट की बात करेंगे, तो उस मूर्तिकार का नाम बताइए, तो भारत और किस अनीश कपूर, किस देश का मूर्तिकार है ये? भारत इंडो ब्रिटिश, ठीक है, भारतीय मूल का है लेकिन रहता है वो ब्रिटेन में रहता है, ठीक है। ग्लोबल डिसरप्टर रिपोर्ट की बात करेंगे, तो इस सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय स्टार का नाम बताइए। बिल्कुल, दीपिका पादुकोण। ठीक है। एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग में भारत की किस यूनिवर्सिटी को, ठीक है, अभी किस संस्था को टॉप रैंक मिला, मतलब भारत में टॉप में कौन है? इंस्टीट्यूट आईआईएससी बेंगलुरु ऑफ साइंस, वेरी गुड। लेकिन विश्व में टॉप में कौन है, तो क्या बताएंगे? गोवा सिंगुआ विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय। ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बाकी जो है आप लोग कल क्या करेगा, पुरस्कार और सम्मान कल पढ़ कर आना आप लोग, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, बिहार पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कंटिन्यू बोल रहा हूँ, 1 घंटा से 5 मिनट का रेस्ट लेता हूँ, तब तक आप लोग बने रहिए, ठीक है। तब तक आप लोग पानी वगैरह पी लीजिए, ठीक है। तो फिर हम लोग बिहार वगैरह पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा था ना, तो कल वाला रिविजन करवा देंगे और साथ में लोग बिहार पढ़ेंगे, 5 मिनट का रेस्ट लेता हूँ, ठीक है। 22:43 हो रहा है ना, 22:50 में कंटिन्यू होगा, तब तक आप लोग भी आ जाइए। हेलो। हेलो, आज हम पहली बार ज्वाइन हुए, कोई बता सकते हैं मेरा आवाज पहुंच रहा है कि नहीं? क्या हाँ, आ रही है बात है? आपकी ठीक, आवाज। दोनों देखे ऊपर ऊपर में, तो दोनों बढ़ता है नीचे वो। हाँ, इंसान पता नहीं कौन करिए।
हाँ स्माइल। सन्यासी विद्रोह बिहार में कब हुआ था? और बिहार में 2 बार अकाल कब पड़ा था? दोनों क्वेश्चन का आंसर बताइए। आवाज आ रही है मेरी? 1929 में, 1929 में सन्यासी विद्रोह 1929 में। अठारह सौ 55 56 में, सत्रह सौ 55 में तो सत्तर और अकाल सत्रह विद्रोह सौ हुआ था। तिरासी 1770 और सत्रह अकाल सौ तिरासी में बिहार में अकाल पड़ा था, ठीक है। सन्यासी सत्रह विद्रोह सत्रह सौ सौ सत्तर सत्तर ही में होगा, ठीक हुआ। है। हाँ, आदिवासी लोग बाहरी लोगों को क्या बोलते थे? डिकूज देखो बोलते थे, बिल्कुल। चेरो विद्रोह का नेता का नाम बताइए। चेरो विद्रोह का नेता, पलामू का शासक कौन था? चेरो विद्रोह का जो नेता भी था, भूषण सिंह। भूषण सिंह, ठीक है। नोनिया जाति जो थी बिहार में, किस व्यापार में मुख्यतः जुड़ी हुई थी, मतलब किस चीज का शासन तोरा करती थी लोग? तोरा तोरा, तोरा बिल्कुल, ठीक है। कोल विद्रोह के नेता का नाम बताइए। बुद्धो भगत। सुरगा मुंडा किस विद्रोह से जुड़े हुए थे? सुरगा मुंडा, बिल्कुल। गंगा नारायण सिंह का संबंध किस विद्रोह से? नहीं, सुरगा मुंडा भी कोल विद्रोह से, ठीक है। विद्रोह
फूलो फूलो और झालो दो बहन थी, किस विद्वत से जुड़ी हुई थी? फूलो और झालो, संथाल, संथाल बिल्कुल ठीक है। संथाल, संथाल विद्रोह किस गांव से प्रारंभ हुआ था? बीरभूम, भगनीडी, गांव का नाम क्या था? भगनीडी, ठीक है, संथालों का गांव था, ठीक है। और दामिना कोह का जो क्षेत्र जो कहते, तो कहां से कहां तक तो क्षेत्र था जिसको दामिने कोह के तौर पे जाना जाता था? दामिने कोह के तौर पे छोटे भागलपुर से लेके राजमहल नाम की पहाड़ी तक, ठीक है, ध्यान रखें, ठीक है। दामिना कोह का मतलब क्या होता है? पहाड़ियों का राज, ठीक है, पहाड़ियाओं का राज, मतलब जो पहाड़ में रहने वाले जो लोग जो थे उनका राज्य को दामन कोह के नाम से जानते थे, ठीक है। सीपीटी की बात करें, उसके छोटा नागपुर टेंसी एक्ट कब लागू हुआ था? 1908 1908 में, छोटा छोटा नागपुर टेंसी एक्ट 1908 में, ठीक है। छोटा नागपुर टेंसी एक्ट लागू करने के पीछे कौन सा विद्रोह था? मुंडा, मुंडा विद्रोह, ठीक है, कौन बोला? मुंडा विद्रोह, ठीक है। लोटा विद्रोह बिहार के किस जेल में हुआ था? मुजफ्फरपुर में, ठीक है। सरदारी लड़ाई के नाम से किस विद्रोह को जाना जाता मुंडा विद्रोह है? मुंडा विद्रोह, ठीक है। बिरसा मुंडा जी का जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1975 में, ठीक है, कब हुआ था? 1975 में इनका जन्म हुआ था। इनको गिरफ्तार कब किया गया? सॉरी, 1875, 1975 में कैसे होगा, ठीक है, कॉमन सेंस सही है, ठीक है। बताना है किस जेल में इनको रखा गया था गिरफ्तार करके? रांची कहां से गिरफ्तार कारागार, किया गया था? शकरधारपुर से गिरफ्तार किया गया बिरसा था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। मुंडा के अनुयायी, सॉरी, बिरसा मुंडा के अनुयायी को किस नाम से जानते थे? चलिए, उनका जन्म जो हुआ था 15 नवंबर को, 15 नवंबर को झारखंड राज्य कौन सा दिवस मनाती है या फिर भारत सरकार भी मनाती है? आदिवासी जनजाति जन झारखंड का स्थापना दिवस भी 15 नवंबर ही है, ठीक है। ठीक है, तो छोटा नागपुर टेंसी एक्ट ध्यान रखना 1908 में, उसके खुटखुट्टी व्यवस्था को भी लागू कर दिया गया, ठीक है। बताना कौन सा विद्रोह जो थी गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित थी? क्या बताया था उस विद्रोह का नाम जो गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित थी? ताना भगा वो आंदोलन, ठीक है, गांधी जी के समर्थक भी थे ताना भगत जी, ठीक है, ध्यान रखिए। गांधीवादी सिद्धांत पे थी, गांधीवादी सिद्धांत पे क्या था, क्यों था? क्योंकि मालगुजारी नहीं देंगे, बेगारी नहीं करेंगे, ठीक है, बाहर के मजदूरों को नहीं आने देंगे, टैक्सेस वगैरह नहीं देंगे, तो इसमें कोई हिंसा नहीं हुआ था, बस तो सरकारों की नीति का विरोध किया गया था, ठीक है। इसीलिए इसको गांधीवादी आंदोलन के तौर पे भी ताना भगत आंदोलन को जानते हैं, ठीक है। हाँ, बाबा लाल हेमब्रेम का संबंध किस विद्रोह से था, किस आंदोलन से था? साफा हो छपा हो, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये भी हिंसक नहीं था, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले थे आज स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार का योगदान, बहुत सारे डाटा आने वाले हैं, ठीक है, तो इसलिए तैयार रहिए, बहुत सारे डाटा, बहुत सारे तारीख, बहुत सारे नाम आने वाले हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, मैं कोशिश करूंगा समझाने का, लेकिन फिर भी अगर पढ़ने वाले मोड में सभी लोग बैठ जाइए, और जब भी पढ़िए तो थोड़ा सा प्रतिदिन के हिसाब से, जैसे आज कितना तारीख है, जो भी तारीख है उस तारीख के हिसाब से क्लास वर्क करके 2 से 3 पेज अपने पास हमेशा रखिए, जो भी इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। कल जब क्लास में आए तो उससे पहले उस कॉपी को रिव्यू कर लीजिए, देख लीजिए इसे क्या पढ़े थे, ताकि चीजें आपको ध्यान में रहे, जहन में रहे, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार का योगदान, ठीक है। अगर आप मेंस का क्वेश्चन अगर लिख रहे होंगे तो आजकल में जो एडमिशन लिए तो उनको ये क्वेश्चन मिला होगा, मिला है ना? कितने लोगों ने लिखा है जिनको ये क्वेश्चन मिला है, स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार के योगदानों को लिखे, मिला है ना? आजकल में जो एडमिशन लिया है तो जो बिहार वाला जो प्रश्न जो भी लिखे, मुझे तो कई कॉपी में चेक किया हूँ बिहार को लेके, ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को ये प्रश्न जरूर मिला होगा, ठीक है। तो हाँ, तो बिहार के संदर्भ में जब भी लिखना हो ना, तो केबीसी नैनो का एक बार आप लोग सपोर्ट ले सकते हैं, मेंस और प्रीलिम्स के लिए दोनों के लिए अच्छी किताब है।